सो हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस इज योर होस्ट एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत कर लेते हैं ओडिशा एफसी के साथ, जिन्होंने 3 साल का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में पुइतिया को अपने टीम में शामिल कर लिया है। लास्ट ईयर केबीएफसी में इनको मौका नहीं मिल रहा था, उसके बाद जब मोहन बगान में आया तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो इनको प्रॉपर गेम टाइम नहीं दिया गया और उसी के चलते अब जो है पुइतिया ओडिशा एफसी में साइनिंग किया है। सो वी होप कि सर्जियो लोबेरा के अंडर में पुइतिया एक अच्छा सीजन बिताए। नेक्स्ट गाइस, जमशेदपुर एफसी ने यहां पर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट में 32 इयर्स ओल्ड क्रोएशियन सेंटर फॉरवर्ड पीटर स्लिस्कोविच को ऑफिशियली रिक्रूट कर लिया है। लास्ट ईयर चेन्नई एफसी के साथ 17 आईएसएल अपीयरेंस में 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ इनका इंडिया में अपना डेब्यू बहुत ही स्ट्रांग था। एंड यहां पर गाइस आप पीटर स्लिस्कोविच अपना दूसरा आईएसएल सीजन में जमशेदपुर एफसी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गई यहां पर श्रीनिधि डेकैन से 28 इयर्स ओल्ड वर्सटाइल डिफेंडर आशीर अख्तार को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में साइनिंग कर लिया है, जो एज ए सेंटर बैक और एज ए राइट बैक दोनों पोजीशन में खेल सकते हैं। कई बार इनको डिफेंसिव मिडफील्ड में भी देखा गया। इन्होंने गई इससे पहले कोलकाता जायंट्स, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मदन जैसे क्लबों में खेला है और लास्ट ईयर श्रीनिधि एफसी के लिए खेलते हुए भी 19 आई लीग अपीयरेंस के अंदर इनका 3 गोल है। तो आई लीग में एक इंप्रेसिव सीजन बिताने के बाद अब आशीर अख्तर अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद गाइस अगला अपडेट निकल कर आए हैं न्यूली प्रमोटेड आईएसएल क्लब पंजाब एफसी की ओर से, जिन्होंने फॉर्मर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का 32 इयर्स ओल्ड कोलंबियन स्ट्राइकर विल्मर जॉर्डन गिल को साइनिंग किया है। हालांकि अभी तक पंजाब एफसी की ओर से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन इनके साथ पंजाब एफसी का पर्सनल टर्म्स अप्रूव हो चुका है और फाइनल पेपर वर्क इसका अगले वीक तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड गाइस यहां पर जो जॉर्डन गिल है उनके ऊपर मल्टीपल आईएसएल क्लबों का टारगेट था, जो कि एक जाहिर सी बात है। लास्ट ईयर जब से आया था यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में गोलों का बारिश किया है, 11 आईएसएल अपीयरेंस और 8 गोल, इवन सुपर कप में तो हैट्रिक भी लगाया था। एंड गाइस यहां पर पर्सनली मैं काफी हैरान हूं कि इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इनको रिटेन क्यों नहीं किया। तो चलो जो भी है, अब विल्मर जॉर्डन गिल अपकमिंग सीजन में हमें पंजाब एफसी की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गाइस पंजाब एफसी ने यहां पर उनका 29 इयर्स ओल्ड स्पेनिश स्ट्राइकर हुआन मेरा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है, जिनका लास्ट ईयर आई लीग के अंदर 21 अपीयरेंस में 10 गोल और 3 असिस्ट भी शामिल था। नेक्स्ट गाइस अगला अपडेट निकल कर आए हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स की तरफ से, जो कि एक ह्यूज ट्रांसफर अपडेट है। इन्होंने यहां पर एक 35 इयर्स ओल्ड स्पेनिश डिफेंडर हेक्टर यूस्टे को ऑफिशियली साइनिंग कर लिया है, जिन्होंने इससे पहले कार्डिज सीएफ एफसी कटानगर रेसिंग सेंटांडर और आरसीडी मल्लोरका जैसे क्लबों के लिए लालीगा 2 के अंदर 200 से भी ज्यादा मैचेस खेला है। लालीगा में भी इन्होंने ग्रानाडा सीएफ के लिए खेला है और 2017 से गई ये साइप्रस टॉप डिवीजन लीग के अंदर खेल रहा है, जहां पर 127 मैचों में एज ए सेंट्रल डिफेंडर इन्होंने 12 गोल स्कोर कर चुका है। इसके अलावा यूरोपा लीग एंड यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के अंदर भी यूरोप का काफी बड़े बड़े क्लबों के अगेंस्ट खेला है और अपने पूरे क्लब करियर के अंदर गई इन्होंने ऑलमोस्ट 500 मैचेस का एक्सपीरियंस गेन किया है। तो काफी अच्छा एक साइनिंग है ये मोहन बगान के लिए। एंड इनके आने से गाइस अब मोहन बगान में पोग्बा का फ्यूचर थोड़ा डाउटफुल रहने वाले हैं। आखिर में बात कर लेते हैं ब्राजीलियन मिडफील्ड माएस्ट्रो मास्टर राफा के बारे में, जो लास्ट सीजन जमशेदपुर एफसी के साथ बिताने के बाद अब चेन्नई एफसी में दोबारा रीयूनिट होने जा रहा है। तो राफेल क्रिवेलारो ऑलरेडी कोलकाता में चेन्नई एफसी के साथ ज्वाइन किया है गाइस, एंड इसका जो फाइनल पेपर वर्क है वो मेडिकल क्लियरेंस के बाद कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।